कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 8.3 सवाल नंबर दूसरे का भाग ए। 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 बराबर 1। यह हमें प्रूफ करना है, तो एलएचएस भाग हम अपना ले लेंगे। हमने एलएचएस ले लिया 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67। अब हम चेक करेंगे इसमें कौन कौन से हमारे पूरक कोण हैं। पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है। तो आप इसमें देखेंगे 10 48 और 10 42 ये आपस में क्या है, पूरक कोण है। 10 48 48 और 42 क्या है, पूरक कोण। और इसमें देखेंगे 10 23 10 67 इसमें 23 और 67 क्या है, पूरक कोण। इनको अगर ऐड कर दिया जाए 48 + 42 बराबर हो जाता है 90 अंश, ठीक है। और इसमें से जैसे 10 48 है और 10 42 है, इसमें से किसी एक को हम 90 - थीटा के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो हम 10 48 को चेंज कर रहे हैं, तो 10 48 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए 48 अंश की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर 90 - 42, ठीक है। 10 48 को हम चेंज कर रहे हैं 90 - थीटा के फॉर्म में, तो 10 48 की जगह क्या लिख देंगे, 90 - 42 इंटू इसको। अब यहाँ पर देखिए इंटू 10 23 है, 10 23 और 10 67 यहाँ पर क्या है, 23 67 को अगर जोड़ दिया जाए तो हो जाते हैं पूरक कोण। तो 23 और 67 जो कोण है, इसमें से हम एक को चेंज कर लेंगे 90 - थीटा के फॉर्म में। तो हम 23 को चेंज कर रहे हैं, तो 23 की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 - 67। तो 10 23 को इस जगह इसमें लिख देंगे 10 90 - 67, ठीक है। और इसको सेम रखेंगे, इसको भी सेम रखेंगे 10 42 इंटू 10 67, ठीक है। अब 10 90 - 42 क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से सूत्र होता है हमारा, 10 90 - थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर यही सूत्र लगा देंगे, तो 10 90 - 42 बराबर हो जाएगा कॉट 42। यहाँ पर 10 90 - 42 हो गया कॉट 42 इंटू 10 90 - 67 हो गया यहाँ पर कॉट 67 गुणे 10 42 इंटू 10 67, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए आप आसानी से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट 42 को हम लिख सकते हैं 1/10 42 इंटू कॉट 67 को लिख सकते हैं 1/10 67, और इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे 10 42 इंटू 10 67, ठीक है। अब ये 10 42 हर में है, अंश में ये, हर में अंश में ये सारे कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1। इस प्रकार LHS बराबर हो गया RHS। ये हमारा सवाल नंबर 2 का भाग 1 कंप्लीट होता है, ठीक। अब भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में हमें दिया गया है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin बराबर 1 हमें सिद्ध करना है यहाँ पर। तो हम LHS को हल करेंगे और RHS के बराबर ले आएंगे। तो LHS हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमें दिया गया है कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब चेक करेंगे इसमें कौन कौन से पूरक कोण है। आप यहाँ पर देखेंगे 38 और 52 यहाँ पर पूरक कोण है, क्योंकि इन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, ठीक है। और इसमें से या तो कॉस 38 को 90 - थीटा के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो कॉस 52 को, तो हम कॉस 38 को चेंज कर रहे हैं। तो 38 की जगह पर लिख क्या सकते हैं, 38 की हम लिख सकते हैं 90 - 52, ठीक है। तो आप लिख देंगे कॉस 90 - 52, और यहाँ पर कितना दिया है कॉस 52, इसको सेम रखें। यहाँ पर देखिए साइन 38 इंटू साइन 52, इसमें दोनों क्या हैं, आपस में पूरक कोण। तो यहाँ पर क्या हो गया
38 और 52 हो गए हमारे पूरक कोण। इसमें से किसी एक को या तो साइन 38 को या तो साइन 52 को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम 38 को चेंज कर देंगे तो 38 का क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने साइन 38 की जगह पर साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52, इसको एज इट इज रखा। अब कॉस 90 माइनस 52 हो गया, यहाँ से देखिए सूत्र से, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, तो कॉस 90 माइनस 52 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा साइन 52 और हो गया कॉस 52 सेम, और साइन 90 माइनस 52 हो गया कॉस 52 इंटू साइन 52, तो दोनों एक ही चीज़ आ गई। यहाँ पे लिखा है साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस, यहाँ भी लिखा है, इसको पहले लिख लें मल्टीप्लिकेशन में, या तो पहले लिखो या बाद टू कॉस 52, तो ये दोनों चीज़ सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, सॉरी ये आपस में क्या जाएंगे, घट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 आंसर। इस प्रकार सवाल नंबर 2 का भाग 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।